what's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो इंडिया से क्वारंटीन पीरियड में आए हैं। उन्होंने रिसेंटली अभी यू नो ट्रैवल सपोर्ट लेटर लेके टिकट्स बुक करी थी जब ये सारे कोविड के स्यापे चल रहे थे, उसके बीच में वो पहुँच गए कनाडा। 14 दिन का अपना 14 डे का क्वारंटीन पीरियड भी उन्होंने यहाँ पर पूरा किया और उसके बाद जॉब भी ढूंढ ली। और ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी एक महीने पहले रिसेंटली कुछ दिन पहले आए हुए हैं, 20-25 डेज ही उन्होंने आए हुए, और एक ने तो उनमें से गाड़ी भी ले ली और काम भी शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि भाई ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना है। और जो दूसरे हैं उन्होंने कंपनी में जॉब ढूंढ लिया किसी, तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत ही बढ़िया लगे मुझे सुनने में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ की जाए शेयर। चलो जी, अब उन स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और सारे क्वेश्चन के जवाब जो आपके कॉमेंट्स में हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या जॉब मिल रही है, घर ढूंढा कैसे, कोविड में कैसे वो क्वारंटीन वाला काम किया आपने, वो सारी चीज़ें इनसे पूछ लेते हैं। तो लेट्स मीट, आ जाओ जी, मिला जाइए। देखो जी मिस्टर दुष्यंत, थैंक यू जी। योगेश, नाइस टू मीट यू योगेश, थैंक यू। आप दोनों का, आप दोनों आए हो करण अर्जुन बन के, इकट्ठे हो जाओ दोनों जाने थे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आपकी वीडियो से उन स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है जो कनाडा अभी आ रहे हैं कोविड के अंदर, ये यू नो सीन चल रहा है, जॉब मिलेगी कि नहीं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो अब इनसे हम क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं, पहले डिटेल क्विकली ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी दुष्यंत से। दुष्यंत, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम दुष्यंत है, मैं न्यू दिल्ली बेस्ड टैटू आर्टिस्ट हूँ। बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी स्टडीज़ आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी के कोर्स के 2 साल के प्रोग्राम में आया। थैंक यू जी, इंटरनेट सिक्योरिटी और 2 साल का प्रोग्राम और दिल्ली से। आप योगेश? मेरा नाम योगेश है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स में, 2 ईयर प्रोग्राम है। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि जब ये यहाँ पर आए हैं तो ट्रैवल सपोर्ट लेटर लेके आए हैं, वो जो ट्रैवल सपोर्ट लेटर थे उसके बारे में बताओ। यस यस, कॉलेज ने दी? दी, हाँ जी, बहुत ज़रूरी थी वो, तो उसके बिना तो आ ही नहीं सकते थे। तो वो उसके साथ आपकी टिकट बुक हो गई और आप यहाँ पर आए, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस कि जैसे अब वो बच्चे जो आ रहे हैं उनको डर लग रहा है कि भाई कोविड में कहीं वापस ना भेज दें, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, आपको लगता है वो रूमर्स ट्रू हैं या कुछ ऐसा है? ये सिर्फ रूमर्स ही हैं, मेरे टाइम पे भी मेरे को काफ़ी मैं डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा दिल्ली एयरपोर्ट पे, नॉट इवन लंबी लंबी लाइंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे एक ट्रैवल सपोर्ट लेटर मांगते हैं आपका जो भी एयरलाइंस है और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कनाडा एयरपोर्ट पे आके आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं, तो बता दो भाई, कौन बताएगा, कौन, आप बताओ। एक्चुअली मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैं अर्ली मॉर्निंग लैंड हुआ तो मेरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ था, इवन इमिग्रेशन की लाइन में भी मेरा बहुत जल्दी नंबर आ गया। और आपको एक यही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस में रहना, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एक प्रॉपर एक फाइल बना के लाएँ। हाँ। और उसको कॉन्फिडेंस के साथ मैंने तो इमिग्रेशन ऑफिसर की टेबल पे रखा और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उसने कहा यू आर गुड टू गो। उसने मेरे को स्टडी परमिट और मेरा वर्क परमिट दे दिया, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा। वर्क परमिट? या वो जो को-ऑप का होता है? ओके। मेरा भी सेम ही था, स्मूथ प्रोसेस रहा, मॉर्निंग ही मेरी भी फ्लाइट लैंड हुई और एयरपोर्ट पे पहुँचे इमिग्रेशन ऑफिसर ने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा कि व्हाई आर यू हियर, तो उसका हमने जवाब दे दिया, सपोर्ट लेटर दिखा दी। आपने क्या जवाब दिया वो बताओ? मैंने यही जवाब दिया कि मेरा जो कोर्स है वो उसमें इन पर्सन क्लासेस बीच में मैंडेटरी हैं कॉलेज की तरफ से, जिसके लिए मेरी यहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है। तो यही मैंने जवाब दिया और उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं फिर। बस आपने ये लाइन बोली, आपने कुछ ऐसे का बोला कि आपने ये बोला कि बस मैं पढ़ने आया हूँ जी, मैं मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। हाँ मोस्टली वैसे मैंने देखा वो पूछ नहीं रहे, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बताया कि उनसे बस पकड़ के भेज रहे हैं कि जाओ, कईयों से पूछ रहे हैं, जिनसे पूछ रहे उनको जवाब देने आ। उसने ये जरूर बोला था मेरे को कि आई लाइक योर स्पेक्स, तो मैंने उसको बोला कि आई लाइक योर टैटूज। अच्छा, वेरी नाइस, आप टैटू आर्टिस्ट हो ऑब्वियसली, इज अ टैटू आर्टिस्ट, तो इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो ये है कि क्वारंटीन के लिए 14 डे जो थी वो अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसे रहा, खाना खुना कैसे मैनेज करा? क्योंकि मैंने पहले तो वीडियो बना दी थी कि भाई आप एयरबीएनबी बुक कर लो, आप ऊबर ईट से ऑर्डर कर लेना, बट आपके हिसाब से आपने कैसे किया यहाँ पर आके? इसका सारा थैंक यू मैं आपको ही देना चाहता हूँ क्योंकि आपके कूपन कोड से मैंने एयरबीएनबी बुक किया आपके कूपन कोड से मैंने एयरबीएनबी बुक किया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड ख़त्म किया। और मेरा एक यहाँ पे फ्रेंड है, वो मेरे डोर पे ग्रोसरीज रख गया था, वो उसी ग्रोसरी से मैंने अपने 14 डेज, काफ़ी बोरिंग थे मेरे, विंडो से देखता रहता था कि बाहर कब जाऊँगा कब जाऊँगा, ये
आफ्टर 14 डेज में बाहर गया और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। आप तो बड़े खुश लग रहे हो वैसे, आपके चेहरे से लग रहा है ना। हाँ जी, छूट कर आए हो कहीं से दूर है, कहते कनाडा पहुंच गया। ताड़ा की साकताब है तुसी क्वारंटाइन च, फिर पंजाबी में आ गया, लोगों ने मुझे पकड़ लेना। आपका क्या हिसाब किताब है? मेरा था, मेरा फ्रेंड्स के वजह से बहुत इजी हो गया। okay. मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए एक होटल बुक कर दिया रूम। हाँ, तो उसमें कम्युनल किचन भी थी। okay. बट वैसे मैंने अपने लिए अलग से टिफिन लगवाया हुआ था। okay. तो उससे काफी इजी हो जाता था। ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स वगैरह वो मुझे ला कर दे देते थे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, बट यही चीज है कि बोरिंग बहुत जाते हैं दिन, और कोई बात नहीं, बोर हो जाता है बंदा। तो मेरा तो आपको ये सजेशन होगा कि 14 डे की कोई एक्टिविटी ढूंढ लो, ठीक है ना। वैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर भी सीरीज काफी आ रही हैं, वो भी देख सकते हैं, बुक्स भी पढ़ सकते हैं। मैं अपने 4 महीने सब कुछ खत्म करके आया था, 4 महीने Amazon Prime, Netflix, सब कुछ। चलो चलो, नहीं ठीक है, थैंक यू। कुछ ना कुछ तो यार होना चाहिए, ऑब्वियसली खाली बैठना इज नॉट गुड। और यहाँ पर आप खाली हो, फैमिली भी नहीं है, घर वालों को भी कितना का फोन कर लोगे, ठीक है ना। 14 डेज जितना फोन करना चाहते हो करो, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलना, ये टाइम डिफरेंस बहुत है। सही बात है, बंदा जब एक बार जॉब जाने लग जाए तो फिर बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, फिर तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो चलो जी, ये हो गया वो कि अब इन्होंने बुकिंग कैसे करी थी। इन्होंने करी थी जी एयरबीएनबी बुकिंग, तो उसमें लिंक दिया हुआ था, तो लिंक आपको मैं नीचे दे रहा हूँ, आप भी क्लिक करके बुक कर सकते हैं और आपको मिलेगा अप टू $95 ऑफ, ठीक है। नीचे लिंक है, जाके चेक करो और वहाँ पर लोकेशंस भी आपको मिल जाएंगी। 15 दिन का, 14 डे का वहाँ पे करवा लो, उसके बाद आगे का आपको दोस्त आपके बने जाएंगे, अपने आप कुछ ना कुछ प्लान बन जाता है। चलो जी, ये तो हो गया अब क्वारंटीन का इनका सिस्टम। अब जॉब की बात बताओ यार, कि जॉब का क्या सीन है? जॉब का ये सीन है, मेरा फ्रेंड था जो यहाँ पे, और एक मेरा फ्रेंड न्यू दिल्ली से मेरे साथ ही, मेरे साथ बैठ के दोनों कट्ठे कट्ठे दिल्ली से ही आए हैं। कट्ठे कट्ठे आए हैं, हाँ मैंने देखा। वैसे आपके फ्रेंड आए हुए हैं तो वेलकम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमलजीत सिंह है। कमलजीत सिंह जी, आ जाओ आप भी साथ में आ जाओ इधर, तीन की तिकड़ी, तीनों जाने अपनी बातें शेयर करो। तो आपका भी, अब आपकी भी जॉब वगैरह हो गई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो क्वारंटाइन खत्म करते ही सेकंड वीक में फिर गाड़ी ले ली थी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, आपने भी ले ली थी? मैंने क्वारंटाइन खत्म करने के 3 दिन बाद ली है, क्योंकि मैं 3 दिन उस पे गया था इन्नी काली के थ्रू। गाड़ी नहीं भाजी, गाड़ी की सीखी, मतलब ये था कि जैसे हम पहली बार आए कनाडा तो यहाँ का ठंड का पता नहीं था कितनी पड़ेगी कितनी पड़ेगी, तो फिर ऐसा था कि ठंड से बचने के लिए भी गाड़ी ले ली। और मेरा फ्रेंड था यहाँ पे, उसने मेरे को यही सजेस्ट किया था कि गाड़ी होना ज़रूरी है यहाँ पे विंटर्स के लिए। मैंने तो अभी नहीं ली है गाड़ी, बट फ्रेंड्स हैं हम, इकट्ठे रहते हैं तो हाँ, वो प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया आइडिया वैसे, बताऊँ लाइबिलिटी क्या गाड़ी, ठीक है जी। बट अगर ये है कि अगर आप आना चाहते हो ना कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा कहीं भी आ रहे हो, तो बेझिझक आओ। हाँ। क्योंकि ना मेरा कोर्स ऐसा था, मेरा कोर्स था फुली ऑनलाइन। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि इंडिया से बैठे बैठे भी हो सकता था। ओके, बट मेरे को भी ऐसे था कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं, बहुत ही मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी। बट ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मतलब एयरपोर्ट पे उन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा, फुली ऑनलाइन कोर्स का, और मैं अपने कॉलेज का पहला स्टूडेंट था मेरे कोर्स का, मैड का, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जो कनाडा लैंड करा फर्स्ट स्टूडेंट। वेरी गुड, फर्स्ट स्टूडेंट। सभी जनों ने गाड़ियां गुड़ियां भी ले ली, लाइफ सेट कर लिया। अब मुझे ये बताओ, जॉब आपको कैसे जॉब मिली, इनसे शुरू करते हैं फिर आप पे आते हैं। जॉब देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत काम आते हैं, तो फ्रेंड्स ने एजेंसी रेफर करी और एजेंसी के थ्रू ही अब मैं जॉब लगा हूँ एक कंपनी में। काम भी ईजी है और पे भी सही है, सब ठीक है, मतलब डरने की बात नहीं है। तो खर्चा निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो आपको कैसे जॉब का सिनेरियो अभी? मेरा जॉब का सिनेरियो ये था कि इनिशियल 3 डेज मैंने वेयर हाउस जाके पैकिंग का काम किया था, लेकिन मेरे को वो काम पसंद नहीं आया और मैंने गाड़ी तो लेनी थी, तो फिर मैंने कार ले ली और अब मैं DoorDash वगैरह कर रहा हूँ। ओके, एप्लीकेशन के थ्रू आप अर्निंग्स कर रहे हैं। जी, आपकी बारी। सेम यही, मैं भी DoorDash स्किप कर रहा हूँ, बट पारुल सर ने भी बताया था कि आप Uber Eats का लाइसेंस बनवा के, क्यूबेक का लाइसेंस बनवा के कर सकते हैं, वो भी आपको वीडियो में दिख जाएगा कि लाइसेंस कैसे बनवाना। हाँ जी हाँ जी, वो भी लिंक दे दिया, वेरी स्मार्ट जेस्चर। बाकी मेरी एक और वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं हाउ टू मेक मनी विद कार, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको ऑप्शंस मिल जाएगी कि गाड़ी के साथ कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास तो अब जॉब है, तो कितनी देर लगी थी आपको जॉब ढूंढने में? वैसे जॉब ये एजेंसी वाला सिस्टम जो था, मैंने एक्चुअली 2 जगह जॉब्स करी हैं, एक जगह मैं गया था 2 दिन। एक महीना आप पहले आए हो और जॉबें भी आपने बदल ली हैं? अच्छा, वो मतलब 2 दिन मैं गया था, वहाँ पर एक्सपीरियंस ठीक था, बट वो ये था जैसे वो इन्वेंटोरी थी फैक्ट्री की, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड थी, तो मतलब ओवरऑल तो सही है, वो भी इनकम भी सही है वहाँ पे, बट मुझे इतना सही नहीं लगा, तो फिर हम लोग एक दूसरी एजेंसी के पास गए।
Okay. उन्होंने जो ऑप्शन दी वो ज्यादा बेटर लगी हमें. Okay, okay. तो फिर मैंने हो जाए, मतलब दिक्कत वाला इतना काम नहीं है. नहीं, जो बंदा फाइनेंशियली यू नो टाइट है हाथ उनका और वो पैसे कमाना चाहते हैं, जॉब तो यहाँ पे बहुत है. बिना गाड़ी वाली जॉब्स, इतनी जॉब्स हैं कि आप अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, नाइट शिफ्ट चाहिए, कोई भी जॉब मिल जाएगी. सारी हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, हर टाइप की जॉब है, कोई भी आपको जॉब मिल जाएगी. बस एक डिसएडवांटेज है फ्रेंच की, यहाँ पे फ्रंट डेस्क जॉब नहीं मिलेगी बिना फ्रेंच के. बिल्कुल, बाकी जॉब्स बहुत हैं. ये मैं भी बोलता आता हूँ कि अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हो तो फ्रेंच के साथ अगर आपको जॉब लेनी है बढ़िया मिल जाएगी, तो इंग्लिश के साथ हाँ, पीछे है, बैकएंड है. वो तो है. कहीं कह रहे हैं कि पे रेट कम मिलता है यहाँ पे, पे रेट भी उतना ही मिलता है ओंटारियो टाइप का. ओके, बट वही बात की जॉब्स बहुत सारी है, बस करने वाला होना चाहिए बंदा. बाकी हमने मैंने गाड़ी ली थी, मैंने अपने पर्सनली उसके लिए ली थी कि जैसे अगर जैसे मैं कि लेबर वर्क नहीं करना था तो वो मैं अपनी गाड़ी से डिलीवरी वगैरह का काम कर रहा था. पॉइंट है, कार वाली चीज़ सबसे बेस्ट रहती है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर है बट इन दी एंड बाद में बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि बंदा एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है और उसमें कंपैरेटिवली इनकम भी ज़्यादा. मेरा भी सेम यही पॉइंट है कि मेरे को लेबर वर्क नहीं करना था, मेरी फैमिली ने भी मना कर दिया था तो वो नहीं करना था, तो फिर इसलिए मैंने गाड़ी ले ली और विंटर्स में भी काफ़ी यूज़फुल है. बट गाड़ी लेना अभी अपने आप में ना बड़ी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, विंटर में गाड़ी चला नहीं पाओगे यहाँ पे. इनसे मुझे लग रहा है गाड़ी की वीडियो अलग बनानी पड़ेगी जैसा कि इन्होंने मुझे बताया. तो चलो जी, नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे. एक लास्ट पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो आ रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन में लॉकडाउन के अंदर फंस गए थे, ठीक है ना, टैची पैक करके बैठे हुए थे और उसके बाद उनका यार एकदम से यू नो खबर आई कि भाई बंद हो गया, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि बेझिझक होके आओ. अब तो जैसे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस भी दे दी हैं तो कंपैरेटिवली और ज़्यादा इजी हो गया सब कुछ, बाकी हमें भी ज़्यादा दिक्कत तो आई नहीं, तो सब सेट है, मतलब टेंशन फ्री होके आ जाओ बस. हाँ जी बिल्कुल, इजी है और बेझिझक होके आओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. इवन मेरा तो वीज़ा मार्च 18 से पहले का था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मैंने मेरे फ्रेंड्स इंडिया में फंसे हुए हैं उनसे सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, इजीली आ सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस से आओ और 1% नहीं घबराना. वो इमिग्रेशन ऑफिसर है, कोई आपके चाचा ताई नहीं है जो आपसे आपको छोड़ देंगे ना. एक तो सवाल तो पूछेंगे पर घबराना नहीं है. बस जहाँ घबरा गए ना वो आपसे सवाल पे सवाल पूछ रहेंगे, बस एक पॉइंट रखना कि घबराना नहीं है, ठीक है? तो हाँ जी दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु केम टू कनाडा रिसेंटली इन क्वारंटीन. आई होप आपके क्वेश्चंस जो थे कमेंट्स में आए हुए उनके आंसर्स मैं इनसे ले पाया और इनके एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाए. और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ ताकि उनको भी टेंशन ना हो कि भाई बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पर इतने स्पेशल माहौल में. तो भाई होता ही है पेरेंट्स को भी कि बच्चे यहाँ पर आके के खज्जल खवार ना हो जाए, उनको प्रॉब्लम्स ना हो जाए. तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो. इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कर लो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul. और अगर कोई क्वेश्चन तो करो जी नीचे कमेंट. बाकी एक और चीज जी, अगर आप 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप मेरा कैलेंडर भी बुक कर सकते हैं. ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग. टिल देन कीप वाचिंग पारुल टीवी. थैंक यू सो मच गाइस अपना टाइम देने के लिए. आपके क्वेश्चंस जो आंसर आपने दिए उसके काफी हेल्प होगी एक्सपीरियंस से भी. हां जी डेफिनेटली. आओ सारे मिलो इधर, बढ़िया पारुल सर से मिलो यार. नहीं नहीं थैंक यू जी, थैंक यू. सही बात है, हम पहले भी इन्हीं की वीडियोस देख के काफी हेल्प हुई है जब इंडिया में थे, तो आज हम इन्हीं की वीडियो में आ रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है. नहीं 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 थैंक यू जी, थैंक यू आपका, थैंक यू जो बच्चों की हेल्प कर रहे हो. आई एम जस्ट यू नो क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऐसे यू नो इजी हो जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो एक भी मुझे वीडियो नहीं मिली थी, तो मुझे यही टेंशन थी कि भाई जिंदगी कैसे चलेगी. बट यह कि वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. थैंक यू गाइस, पूरे लॉकडाउन में आपकी वीडियो देखी है. थैंक यू. कैसे आना है, कैसे जाना, और यहाँ तक की देखी कि सामान क्या क्या लाना है भाई, क्या लाना है. थैंक यू जी, थैंक यू. मेरा भी इससे काफी फायदा हुआ है, आपके व्यूज से मेरा भी बहुत फायदा हो गया. ये लो जी एक और. 2 साल पहले आया था मॉन्ट्रियल में और मुझे गाइडेंस जो मिला था वो पारुल टीवी के चैनल से ही मिला था, क्योंकि 2 साल पहले जब मैं कनाडा में आया था मेरा कोई लिंक नहीं था, कोई रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं था. सो पारुल टीवी के चैनल की वजह से मेरी हेल्प हुई, जिससे मेरे को गाइडेंस मिला और मैं मॉन्ट्रियल इजीली आ पाया. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. अपना नाम भी बता दो यार. मेरा नाम है अमित दुषाद सिंह. सो यही है कि पारुल टीवी के चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और देखो, लाइक बटन भी दबा देना यार, दबाना और हेल्प लेना, गाइडेंस मिलेगा काफी ज्यादा अच्छा. सो बस फॉलो करो और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जल्दी आ जाओ. देना मैं फ्रेम चाह रहा हूँ पूरा ना वैसे.